हमारे पास कल एक केस आया था सरका घाट से, देवघाटा से एक लड़का है, वहाँ 21 साल का बच्चा है। वो सरका घाट, पहले वो सरका घाट हॉस्पिटल में आया, वहाँ उसको मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी उन्होंने देखा, तो उसको ब्रेथलेसनेस के साइन थे और थोड़ी उसको कमजोरी महसूस हो रही थी, सांस फूल रही थी उसकी और बुखार उसको आ रहा था। तो वहाँ मेडिकल ऑफिसर ने देखा और उसको उसकी हिस्ट्री, तो उसमें पाया कि वो जो बच्चा है उसकी बचपन से ये किडनी नहीं थी, दूसरी किडनी की भी उसकी फेल थी और दूसरी किडनी की इलाज के लिए वो दिल्ली जाता था और अभी भी पीछे वो दिल्ली गया था। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं उसकी मिल रही कि कब गया था, लेकिन वो वापस जो है दिल्ली से पहली तारीख को आया, सवेरे 6 बजे वो दिल्ली से चला है और 8 बजे वो घर में पहुंचा हुआ है। और घर में वो रहा, लेकिन क्योंकि वो किडनी फेलियर में था तो उसको दिक्कत होती रहती थी, दिल्ली में भी उसकी ज़्यादा केयर नहीं हुई क्योंकि कोविड ये जो लॉकडाउन था इसकी वजह से उसको शायद वहाँ इतनी हेल्प नहीं मिल पाई है, तो इसलिए वो परेशान था। और कल वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया उसको मंडी के लिए भाई। तो उन्होंने दोनों पॉसिबिलिटी रखी, सैंपल भी ले लिया था उसका। उसके बाद वो यहाँ मंडी हॉस्पिटल में आया, तो मंडी में भी उसकी सांस में बहुत तकलीफ थी उसको और वो फेब्राइल भी था, तो उनके चेस्ट में एक्सरे कराया गया यहाँ पर, तो एक्सरे में उसके कंसोलिडेशन दोनों तरफ कंसोलिडेशन निकली। तो इन्होंने भी जब देखा तो इनको सस्पेक्ट किया कि ये हो सकता है कि उसमें कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो, तो इसको परे हमारे कोविड हॉस्पिटल जो नीर चौक मेडिकल कॉलेज है वहाँ इसको रेफर कर दिया। वहाँ रेफर करने के बाद इसको वहाँ भी देखा, उन्होंने मेडिकल अफसरों ने वहाँ देखा है, ड्यूटी जो थे और उनको भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं लगी और उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो, लेकिन क्योंकि इसकी किडनी नहीं थी, डायलिसिस ये कराता था तो इसको डायलिसिस की बहुत जरूरत थी। तो वहाँ जो उनसे बात हुई प्रिंसिपल साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल अफसर ने यहाँ सोचा कि इसका डायलिसिस कराना बहुत जरूरी है क्योंकि किडनी फेलियर का पेशेंट है, बच्चा है और कोरोना पॉजिटिव के लिए टेस्ट, इसका कोरोना के लिए इसका टेस्ट ले लिया गया है, तो जांच भी चली रहेगी और इसको रेफर कर देता। और उन्होंने कल रात को उसको रेफर कर दिया, 8 बजे वहां से गया है, 3 बजे शिमला आईजीएमसी में पहुंचा है, वहां उन्होंने इसको चेक किया और जो एमएससी शिमला बात है उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनकी कंडीशन, बच्चे की कंडीशन देखे, मेडिकल अफसर ने वहां भी उसका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया था और वो मेडिकल कॉलेज शिमला में भी उन्होंने टेस्ट लगा दिया था। यहां की जो रिपोर्ट है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव थी, लेकिन जो कंफर्मेटरी रिपोर्ट थी उसमें इनकन्क्लूसिव आया, लेकिन मेडिकल कॉलेज शिमला में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 5:54 पे आज शाम को इसकी वहां शिमला में डेथ हो गई है। तो ये इसकी ये है और अब हम इसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसके घर की कर रहे हैं, हमने बीएमओ संधोल को बता दिया है, उन्होंने वहां से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर जो है इसके घर में भेज दी है, अभी वहां जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग इसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको हम होम क्वारंटाइन करेंगे और जैसे ही या तो उनको चेक करेंगे, कोई सिम्टम होगा तो उनका सैंपल लेंगे, अगर सिम्टम नहीं होगा तो भी हम इनका सैंपल सभी का, जो भी इसके घर के लोग हैं, इसके माता हैं, पिता हैं, इसका छोटा ब्रदर है, इसके ताया जी हैं जो इसके कॉन्टैक्ट में हैं, उनका भी हम सबका सैंपल लेंगे, सबकी जाँच करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टाफ इसके कॉन्टैक्ट में आया हुआ है मेडिकल कॉलेज में भी और जनरल अस्पताल मंडी में भी और सरका घाट में भी, उन सब की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे कि कैसे कैसे उनका एक्सपोजर हुआ है, उससे कितना हुआ है, अगर इस तरह का कोई हुआ है तो उनकी भी जांच की जाएगी और उनके लिए टेस्ट की जरूरत होगी, उनकी सबकी हम टेस्ट कराएंगे। आज 5 मई के दिन जिला मंडी में हमारा दूसरा पॉजिटिव कोरोना वायरस केस आया है, जिसके लिए रिपोर्ट जो है हमें नियर चौक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त हुई है। अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति की जो ट्रीटमेंट चली हुई थी इस दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और इस बीमारी के चलते वे दिल्ली गए थे अपने इलाज के लिए। दिल्ली से ये 1 तारीख की शाम को यहाँ जिला मंडी में फिर से लौटे हैं और अपने परिवार के साथ, और पिछले कल 4 तारीख को ये इन्होंने हॉस्पिटल में, क्योंकि अस्वस्थ थे थोड़े से, तो इन्होंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया था, उसके बाद में उनको रेफर करके आईजीएमसी तक भेजा गया था जिसमें उनकी आज डेथ हुई है। ये जो एरिया है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, उस एरिया को एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, 3 किलोमीटर का रेडियस है और उसके साथ ही 2 किलोमीटर का अन्य एरिया जो है वो बफर जोन के रूप में इसको लिया है।
इसमें हमारी ग्राम पंचायत देवराट्टा और ग्राम पंचायत रोपड़ी इसमें कंटेनमेंट जोन में आ रही है, और अगल बगल की जो पंचायतें हैं वो बफर जोन में आ रही है। इस कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की मूवमेंट अब संभव नहीं हो पाएगी। जो भी आइटम्स है उसकी डिलीवरी होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। लोग जो है जहाँ है वहीं पर रहेंगे। इनकी पूरी डिटेल अब जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, लाइन लिस्टिंग की जाएगी, सर्वे हमारी टीम के द्वारा हर घर में किया जाएगा। जितने भी लोग इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उनका पूरा डिटेल लिया जाएगा, और आगे आने वाले दिनों में जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं इनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, और उस सैंपल्स की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।